सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं गुलमर्ग और कश्मीर में हूँ और ये जो ट्रिप का प्लान है मैं पिछले 2.5-3 साल से बना रहा था, बट काफ़ी चीज़ों की दिक्कतों की वजह से बना नहीं पाया। बट फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। बट मुझे यहाँ पे आने में और बीच में क्या क्या दिक्कतें हुई हैं और किस किस चीज़ को इशू हुआ है वो सारा कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लस आपको बजट ट्रिप भी बताना चाहता था कि कितने के बजट ट्रिप है भैया कश्मीर का टूर कर सकते हो, ठीक है, कहाँ आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, कहाँ आपका पैसा कम लग सकता है, कौन सा होटल बुक करना चाहिए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। जैसे मैं दिल्ली से बताता हूँ, जो मैं दिल्ली से ही आया हूँ तो मैंने दिल्ली से ट्रेन लिया था। बाई ट्रेन दो रूट का रास्ता है, या तो आप दिल्ली से जम्मू आओ या फिर दिल्ली से उधमपुर जाओ। तो पहले मैं जम्मू का रास्ता बताता हूँ। दिल्ली से जम्मू आ सकते हो। जम्मू से आने के बाद वहाँ पर आपको टैक्सी मिल जाएगा, जो हमें टैक्सी मिली थी 1100 रुपये की पर हेड, 1100 रुपये की टैक्सी थी। 6 घंटे का रूट है जो आपको श्रीनगर उतार देगा, ठीक है, आराम से टैक्सी मिले, बस भी है लेकिन बस बहुत कम है, टैक्सी मिल सकती है वहाँ से, एक ही ऑप्शन है। तो दिल्ली से जम्मू, जम्मू से टैक्सी लेकर श्रीनगर आ सकते हो। दूसरा रूट जो है वो है दिल्ली से उधमपुर जा सकते हो ट्रेन बुक करके। उसके बाद उधमपुर से आपको मिलेगा बनिहाल के लिए एक आपको बस लेनी पड़ेगी, बस भी मिलती है वहाँ पर, टैक्सी भी मिलती है। बस आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 200-250-300 रुपये लगेगा, 300 से 500 के बीच में लगेगा, वो आपको बनिहाल उतार देगा। बनियार उतारने के बाद वहाँ से आपको मिलेगी 45 टू 50 रुपीज़ की ट्रेन जो कि आपको उतारेगा श्रीनगर। ये दूसरा रूट है। मैं आया था जम्मू का, मुझे ये वाला रूट भी अच्छा लगा, 1100 रुपये मैंने दिया। अगर आपको बजट और भी बजट कम करके चलना है तो बनियार से आप बस वगैरह और ट्रेन का बुक करके आ जाओ, अब पैसे बचेंगे आपको काफ़ी। ये दो रूट हो गया आपको श्रीनगर आने का। श्रीनगर में आप इंजॉय कर सकते हो, बोट हाउस बुक कर सकते हो। बोट हाउस में एक चक्कर ये है कि मैंने बोट हाउस बुक तो कर लिया था लेकिन इसमें रोड है नहीं, तो जैसे अगर बोट हाउस बुक करते हैं तो अगर मुझे जो डल लेक है उसको क्रॉस करके आने के लिए हर एक ट्रिप के लिए 20 रुपये या 10 रुपये देने पड़ेंगे बोट के लिए, जो आपको बोट से इस साइड और ये क्या आएगा, फिर आपको इस साइड से उस साइड जाने के 20 रुपये, होटल का कोई बोट नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर नाइट में आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है तो बोट नहीं मिलेगा वहाँ पर, मतलब बहुत हमें रात को भूख लगी थी, होटल ने खाना नहीं मिला तो उसके चक्कर में हम काफ़ी देर तक वेट किया। फिर एक अंकल जी आए जिनको हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने रात को छोड़ा, मांगिए वेट किया हम खाना, आप वीडियो में देखना वो आपको दिखेगा, उन्होंने वेट किया हम खाना बुक लेकर पैक कराकर फिर हम बोट में तो उन्होंने छोड़ा। बट हाँ, काफ़ी अच्छा व्यू है वहाँ पे, जैसे मॉर्निंग में आपको पूरा डल लेक दिखेगा और बोट में ही आपकी शॉपिंग चलेगी, सब्जी मार्केट चलेगा, हर चीज़ बहुत अच्छा व्यू है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बुक करो तो बोट ही बुक करो, 10-20 रुपये के चक्कर में आप इतना कोई होटल मत बुक करो, क्योंकि आपको हर बार तो आ नहीं सकते, तो बोट हाउस का मज़ा और कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। उसके बाद श्रीनगर घूमने के बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि श्रीनगर में काफ़ी रिस्क है, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं रिस्क बहुत है वहाँ पे, मतलब काफ़ी आपको पता है किस टाइप का रिस्क है वहाँ पे, वहाँ पे जाना अच्छा नहीं है, लोग वहाँ के अच्छे नहीं हैं, बात अच्छे से नहीं करते हैं, और लाल चौक का काफ़ी नाम बदनाम है कि लाल चौक में ऐसा होता है, वहाँ पर गोलियाँ चलती, बहुत कुछ वैसे पंगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें वहाँ के जो बंदे थे, यहाँ तक कि जिस जम्मू से श्रीनगर आने में एक अंकल जी बैठे थे हमारे कैब में, उन्होंने हमें ऑफर किया था कि हमारे मेरे घर पे चक्कर रुक जाओ, आज तुम्हारे घर पे रुको, कल तुम चले जाना श्रीनगर। बट वो बहुत अच्छे अंकल जी थे, और अभी तक मेरे को जितने भी लोग मिले हैं, जितने भी लोग, हर लोग अच्छे हैं, सब बात करने में सारे के सारे लोग बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं, और आपकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं जिस टाइप की हेल्प की जरूरत है। तो ये कन्फ्यूज़न एक दूर कर देना कि लोग वहाँ के अच्छे नहीं है, वहाँ पर बहुत रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है, बहुत मज़े करोगे आप। और उसके बाद हम बात करते हैं श्रीनगर से आप कहाँ जा सकते हो। तो देखो, श्रीनगर से हम मैंने क्या किया कि अगले दिन सुबह उठ के हम गुलमर्ग आ गए, सबसे जल्दी पकड़ना 8-9 बजे की गाड़ी पकड़ के गुलमर्ग आ जाना। गुलमर्ग आने का ये क्या है कि आपको दो रूट है, एक टैक्सी का है, दोनों टैक्सी का ही है, एक है रिजर्व, एक है शेयरिंग का। तो हम जैसे शेयर करके आए थे तो हमें पड़ा था 250 रुपये पर हेड, जो हमें गुलमर्ग में जाके सीधा उतार दिया। अगर आप टर्नमर्ग करोगे तो वहाँ का भी 250 ही लगेगा, लेकिन टर्नमर्ग से गुलमर्ग आप नहीं आ सकते, ये चीज़ एक ध्यान रखना कि टर्नमर्ग से गुलमर्ग का सीलिंग नहीं, आपको रिजर्व करके ही आना पड़ेगा, जो कि 1500 से 2000 के बीच में पड़ जाएगा। तो कभी अगर आप श्रीनगर को गुलमर्ग आना है तो आप डायरेक्ट गुलमर्ग आओ, उसके बाद अब अगर टर्नमर्ग होते हो आप चले जाओ, टर्नमर्ग में कुछ नहीं है, छोटा सा मार्केट है बस, कुछ भी नहीं है टर्नमर्ग में। तो ये एक इशू है, अब ये देख रहे ना, हमने डायरेक्ट बुक करके गुलमर्ग आ गए थे। गुलमर्ग आने के बाद अब एक हमें इशू हुआ था होटल बुकिंग में, जब हम होटल बुक कर रहे थे तो वहाँ पर लिखा हुआ था गुलमर्ग पाइन व्यू, होटल का नाम है पाइन व्यू जो कि गुलमर्ग में है, लेकिन पाइन व्यू यहाँ पे भी है, सामने है पाइन व्यू। जब हम वहाँ पे विजिट किए तो हमें पता चला कि ये पाइन व्यू है ही नहीं, वो जो पाइन व्यू बुक किया है हमने गुलमर्ग से 10 किलोमीटर नीचे है। उसके बाद हमने क्या किया कि हम
हमने यहाँ पे जो पाइन व्यू था वहाँ पे अपना सामान रखा। सामान रखने के बाद हमने पूरा घूमे। शाम को 5-6 बजे हमने क्या किया कि यहाँ से, यहाँ पे अगर स्नोफॉल हो गया तो आप कोशिश करो कि 4 बजे यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो गाड़ियाँ मिलती नहीं है। और जो गाड़ियाँ मिलती है वीडियो में देखना है, सब कुछ कुछ गाड़ियाँ तो खाई में गिरी हुई है, खाई में तो वो नहीं, दूसरी साइड गिरी हुई है, जो जिस साइड पहाड़ उस साइड गिरी हुई है, गड्ढे में, बिल्कुल गड्ढे गड्ढे में जाकर गिरी हुई है। तो रिस्क काफ़ी हो जाता है बर्फ़ गिरने के बाद, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, 4 बजे तक निकल जाना। और स्नोफॉल होगा तो, स्नोफॉल नहीं है, वेदर ठीक है, तो आप 5, 5:30, 6 बजे भी निकल सकते हो। यहाँ से रेंट पर भी, वो भी सेविंग में जाता है, जो कि 50-60 रुपये है टर्नमक के लिए, सिर्फ टर्नमक की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर रिजर्व करके जाओगे तो 500-400-500 रुपये ले लेंगे यहाँ से। श्रीनगर के लिए डायरेक्ट आपको बहुत मुश्किल मिलना, आपको टर्नमक होते हुए जाना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर मिलता भी है तो आपको कम से कम 2500 से 3000 रुपये चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देना ताकि आप एक्स्ट्रा चार्जेस ना दो। आपका जो चार्जेस लगेगा सबसे ज़्यादा आपका पैसा लगेगा भाड़े में, जो भी आप बजट बना के आओगे आपका, मतलब ये समझो कि आप उसमें से 30% बजट एक्स्ट्रा बना के ना, वो सिर्फ आपके भाड़े में चला जाएगा। क्योंकि यहाँ लोग बहुत एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, कहीं भी जाने के बहुत उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं। बार्गेनिंग अगर करने आता है तो बार्गेनिंग करो, अदरवाइज़ तो पैसे आप दे दे के परेशान हो जाओगे, इतने पैसे मांगते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे 1-1 किलोमीटर जाने के 200-200 रुपये मांगते हैं यहाँ पे, और आप पैदल चल नहीं सकते। तो ये तो हो गया, अगर गुलमर्ग आ गए, घूम गया आपने। यहाँ से अब जाने का होता है सोनमर्ग है, टर्नमर्ग है, सोनमर्ग है एंड पहलगाम है। पहलगाम का सीन ये है कि वहाँ पे रिटर्न अगर रिजर्व करते हो तो बेटर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ आराम से घूम फिर कर आ जाओ। लेकिन अगर आप सेविंग में जाते हो तो पहलगाम से आने का पैसा बहुत ज़्यादा होता है, 5 से 6 हज़ार रुपये लेते हैं वो वहाँ से श्रीनगर आने के। ये चीज़ आप ध्यान देना। अब बात करते हैं होटल के, कि यहाँ से अब रिटर्न का कैसे। अभी जैसे मैं गुलमर्ग भी हूँ, मुझे यहाँ से रिटर्न जाना है, तो मैं टर्नमर्ग से ही टैक्सी बुक करके आया हूँ। हम 6 लोग हैं, कुछ 4 लोग और मिल गए थे जो गुलमर्ग आना चाहते थे, तो हमने टोटल 2200 में टैक्सी बुक किया है। हम गुलमर्ग घूम गए, टैक्सी वाला वेट कर रहा है, उसके बाद जैसे ही हम जाएंगे उसके साथ बैठ के हम फिर निकल जाएंगे। तो ये थी गुलमर्ग का पूरा बजट ट्रिप है। सब बताओ तो जो होटल है श्रीनगर का, होटल मैंने जो बुक किया था, जो आप वीडियो में देखोगे ग्रीन व्यू, जो वो कि सिर्फ 800 रुपये का था, जो मेरा टर्नमर्ग में होटल है उसका 9200 रुपये पे किया मैंने 2 दिन के लिए। और जो गुलमर्ग में होटल है यहाँ पे भी आपको मिल जाता है 2500 का होटल मिल जाएगा। हाँ, कितना अच्छा नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा होटल है, बट आपको व्यू मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक एक दिन का 10-10 हज़ार का भी होटल है, 5 हज़ार का भी है, 3 हज़ार का भी है। लेकिन कभी भी आप अगर होटल बुक करो तो होटल ऐसे कंफर्म जरूर करो कि गुलमर्ग से कितना किलोमीटर पीछे है या गुलमर्ग में कितना दूर है, ये कंफर्म किए बिना मत बुक करना, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे या फिर रिव्यू देखो, कि नहीं तो आप सोच के कुछ होगा आपको होटल मिलेगा कहीं और। और एक दो चीज़ें और भी है कि यहाँ के लोग थोड़े परेशान करते हैं आपको स्केटिंग करने में या किसी गाइड करने में, हर चीज़ में पैसा आपसे 4 गुना ज़्यादा मांगेंगे। अगर वो 1000 बोलते हैं तो आप 200-250 से स्टार्ट करो, उससे ज़्यादा स्टार्ट मत करो। ये था बजट ट्रिप का, जो मेरा बजट है पूरा यहाँ का आने का जो बजट था। सो मेरा होटल वगैरह सब कुछ बुकिंग करने के बाद हमारा जो बजट था 10,000 रुपीज़ था, हमने एक्स्ट्रा लेके आए थे, जिसमें हमारा अभी सेम टू सेम वैसी बजट पर चल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा है। अगर हमने 9200 का होटल बुक नहीं किया होता तो हम और सस्ते में निपट सकते थे, लेकिन हमने रिस्क नहीं किया। रिस्क कभी मत लेना, होटल बुकिंग करके ही चलना, रिस्क मत लेना। और गुलमर्ग कभी भी आओ तो आप कैंसिलेशन देख लिया करो कि एक दिन पहले तक का कैंसिल का ऑप्शन हो आपके पास, नहीं तो अगर रास्ता बंद हो गया, आपने होटल बुक कर दिया, पैसा चला गया, तो फिर आप रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ये थी ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन, जो मैं सोचा कि एक अच्छी जगह पे दूंगा, गुलमर्ग में आके एक पूरे बर्फ के बीच में आके इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसको आप रखना। और एक चीज़ और भी है कि कपड़े ऊपर का है, जो भी है जैसे बूट वगैरह आप लेके चलना, कपड़ों आप देखो, जैकेट वगैरह सब लेके चलना, ठंड बहुत है यहाँ पे, ठंड तो लगती है। तो अब हम भी है, हम निकलेंगे, टाइम हो चुका है थोड़ा देर, हम 1-2 घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से। वीडियो देखो, पसंद आया को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।